प्रयागराज में 21 जनवरी को लगने वाले माघ मेला में संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि लोगों की सुविधा के लिए 20 जनवरी को गोरखपुर और भटनी से प्रयागराज रामबाग के बीच दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल पैसेंजर रेलगाड़ी चलाई जाएगी, जिसके संबंध में CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 05115 नंबर की गाड़ी गोरखपुर प्रयागराज रामबाग पैसेंजर स्पेशल 20 जनवरी को शाम 4 बजे से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन चौरी चौरा, देवरिया, भटनी, सलेमपुर होते हुए बनारस के रास्ते भोर में 2 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। वहीं 05116 नंबर की गाड़ी प्रयागराज रामबाग गोरखपुर पैसेंजर स्पेशल 21 जनवरी को रात 8 बजे से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन झूसी हंडिया ज्ञानपुर रोड माधव सिंह के रास्ते बनारस, भटनी और देवरिया होते हुए दूसरे दिन सुबह 5:10 पर गोरखपुर पहुंचेगी। 05113 नंबर की गाड़ी भटनी प्रयागराज रामबाग पैसेंजर स्पेशल 20 जनवरी को रात 8:45 पर प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन सलेमपुर बेलथरा रोड मऊ के रास्ते बनारस होते हुए भोर में 3:25 पर प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी तथा 05114 की गाड़ी प्रयागराज रामबाग भटनी पैसेंजर स्पेशल 21 जनवरी को सुबह 9:20 पर प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन झूसी हंडिया खास ज्ञानपुर रोड माधव सिंह के रास्ते बनारस होते हुए दोपहर 3:30 भटनी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जो ट्रेन बनारस से रामबाग प्रयागराज के लिए 20 और 25 जनवरी तथा 4 फरवरी एवं 17 फरवरी को चलेगी तथा वापसी में 21 और 26 जनवरी और 5 और 18 फरवरी को प्रयागराज रामबाग से चलेगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि जब भी स्टेशन पर जाएं तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करें और किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। रेलवे के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, जो श्रद्धालु यहाँ से स्नान करने प्रयागराज जाते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। बनारस से 2 जोड़ी ट्रेनें चलाई गई हैं बनारस से रामबाग प्रयागराज के लिए। मैं डेट्स बता देता हूँ आपको, जो बनारस से चलेगी वो 20 और 25 जनवरी तथा 4 फरवरी एवं 17 फरवरी को चलेगी। सिमिलरली वापसी यात्रा में जो है 21 और 26 जनवरी तथा 5 और 18 फरवरी को प्रयागराज रामबाग से चलेंगी ये ट्रेनें। इसी प्रकार से जो है एक और दूसरी जोड़ी जो ट्रेन चलाई गई है, नंबर बता देता हूँ, 05111 प्रयागराज रामबाग बनारस टू प्रयागराज रामबाग अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी, ये 21 और 26 जनवरी तथा 5 और 18 फरवरी को चलाई जाएगी। और 05112 प्रयागराज रामबाग बनारस अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी, ये 21 एवं 26 जनवरी को तथा 5 एवं 18 फरवरी को वापसी यात्रा में प्रयागराज रामबाग से बनारस स्टेशन के लिए आएगी। इसी प्रकार गोरखपुर से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी गोरखपुर और प्रयागराज के बीच में अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी चलाई जा रही है, जो कि 20 जनवरी को गोरखपुर से प्रस्थान करेगी और यहां से सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होते हुए ये प्रयागराज रामबाग पहुँचेगी। सिमिलरली वापसी यात्रा में यह ट्रेन 05116 प्रयागराज रामबाग गोरखपुर 21 जनवरी को प्रयागराज रामबाग से प्रस्थान करेगी, 20 बजे प्रस्थान करेगी वहां से,
झूसी हंडिया खास, ज्ञानपुर रोड माधो सिंह, बनारस, वाराणसी, वाराणसी सिटी, सारनाथ, अवड़िहार, सादात, जखनिया, दुल्लापुर, मऊ, इंदारा, किड़हरापुर, बलथरा रोड, सलेमपुर, भटनी, देवरिया सदर, चौरी चौरा होते हुए यह गाड़ी सुबह 5:10 पर गोरखपुर पहुंचेगी। इस गाड़ी में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10 और SLR के 2 के कोच लगाए जाएंगे। टोटल 12 कोच इसमें लगेंगे। तो जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं वो 20 जनवरी को शाम को 4 बजे वो गाड़ी यहाँ से प्रस्थान करेगी और वापसी यात्रा में 21 जनवरी को वहाँ से 20 बजे यानी कि रात को 8 बजे। इसी प्रकार से भटनी से प्रयागराज रामबाग के लिए भी एक अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी चलाई जा रही है 05113। ये 20 जनवरी को भटनी से 20:45 पर प्रस्थान करेगी और प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए प्रयागराज रामबाग सुबह 3:25 पर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन 05114 प्रयागराज रामबाग भटनी अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी 21 जनवरी को प्रयागराज रामबाग से सुबह 9:20 पर प्रस्थान करेगी और भटनी 15:30 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में भी सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10 और SLR के 2 समेत कुल 12 कोच लगाए जाएंगे। जो श्रद्धालु ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं या करेंगे उनसे अपील रेलवे करता है कि जब भी स्टेशन पर जाएं तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए हमेशा FOB का प्रयोग करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। रेलवे ने समुचित व्यवस्था की हुई है कि जहां से श्रद्धालु को जो यात्री पूछताछ है या जो रेलवे के स्टाफ हैं, रेलवे के जवान हैं, उनको लगाया गया है। तो कभी भी जब ऐसी स्थिति में जाएं तो किसी भी हालत में अफवाह पर ध्यान ना दें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए FOB का प्रयोग करें। ट्रैक को ट्रेसपास कहीं से ना करें। कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि ट्रैक के किनारे से कुछ लोग चलते हुए आते हैं मेले के दौरान, और जो कि बहुत ही गलत है और बहुत असुरक्षित है। तो इसलिए हम सभी श्रद्धालुओं से रेलवे अपील करता है कि आप सभी जो है सुरक्षित रहें और रेलवे की जो पटरी है उससे दूरी बना कर रखें और जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए FOB का प्रयोग करें।